दोस्तों, जब भी हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक प्रश्न आता है कि बातचीत की शुरुआत कहां से और कैसे करें, क्योंकि दोस्तों किसी से बात करने का तरीका कोई मुश्किल कार्य नहीं होता है। मुश्किल कार्य बात को शुरू करना होता है। जब आप एक बार बात करना शुरू कर देते हैं तो आपके लिए आगे की बात करना भी काफ़ी आसान हो जाता है। तो दोस्तों, यदि आप भी इस समस्या से परेशान हैं तो आज का यह वीडियो पूरी तरह से आपके लिए मददगार साबित हो सकता है, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 5 ऐसे यूजफुल टिप्स के बारे में बताऊंगा, जिसे अगर आप स्टेप बाय स्टेप समझ जाते हैं तो आप किसी भी नए पर्सन से अच्छी तरह से बात कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं। टिप्स नंबर 1, बोलते समय धीरे धीरे बोलें, स्पीक स्लोली। दोस्तों, किसी भी नए व्यक्ति से बात करते समय हमेशा धीरे धीरे बोलने की कोशिश करें, और इतना भी धीरे ना बोलें कि सामने वाले व्यक्ति को आपकी आवाज़ सुनाई ही ना दे। आपको ना तेज बोलना है और ना ही धीरे बोलना है। आपको मध्यम आवाज में सामने वाले व्यक्ति से बातें करनी है। जब आप मध्यम आवाज में किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो आपकी आवाज एकदम साफ निकलती है और सामने वाले व्यक्ति को भी आपकी बातें भी प्रभावित करती हैं। लेकिन यदि आप तेज आवाज में किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो आपके शब्द चाहे कितने भी प्रभावशाली क्यों ना हो, सामने वाला व्यक्ति कभी भी आपसे इम्प्रेस नहीं हो सकता। इसीलिए आपको किसी भी व्यक्ति को बात करने के लिए उसके सामने मध्यम आवाज में शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। टिप्स नंबर 2, दूसरे व्यक्ति को भी बोलने का अवसर दें। दोस्तों, यदि आप अपनी कन्वर्सेशन स्किल्स को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको दूसरे व्यक्ति को बात करते समय बोलने का अवसर अवश्य देना चाहिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति से बात करने का मतलब यह नहीं है कि सिर्फ आप ही बोलते रहें। आपको सबसे पहले सामने वाले व्यक्ति की बातों को अच्छे से सुनना है और उसके बाद ही आपको बोलना है। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका व्यक्तित्व सामने वाले व्यक्ति को प्रभावित करता है। ज्यादातर लोग जब भी किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो सिर्फ खुद ही बोलते रहते हैं, दूसरे व्यक्ति को बोलने का बिल्कुल भी मौका नहीं देते हैं। ऐसे लोग किसी को भी पसंद नहीं आते हैं। यदि आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमेशा दूसरे व्यक्ति को भी बोलने का मौका जरूर दें। टिप्स नंबर 3, बात करते समय आई कॉन्टेक्ट बनाकर बातें करें। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति से बात करते समय दूसरे व्यक्ति की आंखों के साथ संपर्क बनाना बेहद ही जरूरी होता है। दूसरे व्यक्ति की आंखों में आंखें डालकर बात करने से आपके अंदर का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। आपकी आंखों में सच्चाई भी नजर आती है, जिसको दूसरा व्यक्ति आसानी से महसूस कर पाता है, और आपके अंदर आत्मविश्वास भी बढ़ने लग जाता है। आपने अपने आसपास में बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा जो आपसे बात करते समय इधर उधर देखते हैं, और यदि आप भी किसी व्यक्ति से बात करते समय इधर उधर देखते हैं तो आपके अंदर भी आत्मविश्वास की कमी होती है, जिसको दूसरे व्यक्ति आसानी से देख सकते हैं। लेकिन यदि आप सामने वाले व्यक्ति की आंखों में आंखें डालकर बातें करते हैं तो आपकी एक अलग ही पर्सनालिटी बनती चली जाती है, और किसी से भी बात करने का ये बेस्ट तरीका होता है। टिप्स नंबर 4, आत्मविश्वास के साथ बातें करें, स्पीक विद कॉन्फिडेंस। दोस्तों, जब आप किसी व्यक्ति से बात करने के बारे में सोचते हैं और आपके अंदर किसी भी बात या फिर चीज से संबंधित कोई भी सवाल होता है तो उसकी वजह से आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है और आप आसानी से उस व्यक्ति से बातें नहीं कर पाते हैं। लेकिन यदि आप पूरे आत्मविश्वास के साथ बिना अपने दिमाग में कोई बोझ लिए किसी व्यक्ति से बात करने के लिए जाते हैं तो आपके अंदर अपने आप ही कॉन्फिडेंस बढ़ने लग जाता है। अक्सर हम जब भी किसी व्यक्ति से बात करने जाते हैं तो हम अपने माइंड के अंदर ही बहुत सारे सवाल खड़े कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी एक अलग ही पर्सनालिटी बन जाती है और हम कभी भी किसी से बात करने में शर्माते हैं। इसीलिए किसी से भी बात करने से पहले अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं। टिप्स नंबर 5, अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट रखें, कीप ए स्लाइट स्माइल ऑन योर फेस। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आप किसी भी व्यक्ति से अच्छे से बात कर सकें और किसी से भी बात करने का तरीका जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट रखनी चाहिए। ऐसा करने से आप आसानी से लंबे समय तक सकारात्मक बने रह सकते हैं। यदि आपकी बातचीत लंबे समय के लिए चलती है तो अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान रखने से सामने वाला व्यक्ति भी आपकी पर्सनालिटी से प्रभावित हो जाता है। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान रखने से सामने वाला व्यक्ति ना चाहते हुए भी आपसे अधिक समय के लिए बातें करना पसंद करता है। लेकिन यदि आप दुखी होकर किसी से बातें करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति भी कुछ समय बाद ही आपसे बात करना बंद कर देता है। दोस्तों, यह थे 5 यूजफुल टिप्स, जिसे अपनाकर आप भी किसी नए व्यक्ति से बात की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया हो। प्लीज अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें।